हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटो गेयर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो इस कंपटीशन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है एंड वो 2021 जुलाई में आपको लॉन्च होते हुए दिखेगा। एंड इस लॉन्च को करने वाले हैं हमारे फोर व्हीलर सेगमेंट के जो कार रेंटिंग ऐप चलाते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ये है ओला इंडिया। ओला अभी इस समय इंट्रोड्यूस करने जाने वाला है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, और स्कूटर सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ा लॉन्च होने वाला है क्योंकि ओला प्रॉमिस कर रहा है इंडिया में कि 1 करोड़ यूनिट पर ईयर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। एंड वो लोग इस समय बहुत ही अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हर जगह 100 सिटीज़ में 5000 चार्जिंग पॉइंट्स का ये लोग इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम अभी चल रहा है। एंड इसका एक्चुअल लॉन्च होने वाला है तकरीबन जून या जुलाई में, ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा ओला की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्टली इसके प्रोस क्या होंगे और इसके कॉन्स होंगे क्या होंगे, एंड हमें इसे क्यों बाई करना चाहिए एंड क्यों नहीं बाई करना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ओला एक बहुत बड़ा सक्सेस है। ओला ने रिसेंटली एक एम्स्टरडैम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ईटरगो को टेक ओवर किया है, एंड इसका ही बेनिफिट डायरेक्टली इनको मिलने वाला है क्योंकि ओला को इनके R&D डिपार्टमेंट में और इनको कोई डिज़ाइन में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं डालना पड़ेगा। ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि जैसे कि ईटरगो के ही जो मॉडल्स, जो टॉप 3 के मॉडल्स है, जो सिंगल बैटरी, ड्यूअल बैटरी एंड ट्रिपल बैटरी के जो वर्जन स्कूटर्स है, वही लॉन्च होने वाले हैं ओला के ब्रांडिंग में, एंड थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे ताकि वो इंडियन स्टैंडर्ड्स को मैच करे एंड उसके ऊपर आप सब्सिडी एटलीस्ट गवर्नमेंट से क्लेम कर सके। एंड ये काफ़ी अच्छा स्कूटर होने वाला है इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्योंकि ओला ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट में आ रहा है, वो कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला है क्योंकि इंडिया मार्केट में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे कि बजाज चेतक, एथर 450 एंड TVS का iQube एंड हीरो का ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में, जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में, एंड ओला उसका राइट टाइम पे उसका बेनिफिट उठाने वाला है एंड एक अच्छा सा प्राइस इन स्ट्रैटेजी भी करने वाले हैं ओला, जो कि मे भी ऐसा माना जा रहा है कि स्कूटर का रेट जो प्राइस होने वाला है वो 1 लाख के अंदर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो जो 1 लाख के अंदर जो होने वाला स्कूटर है वो सिंगल बैटरी वाला हो सकता है, एंड इसमें जो ट्रिपल बैटरी का जो फुल इसमें जो ट्रिपल बैटरी का जो इंट्रोडक्शन मॉडल रहेगा वो एटलीस्ट आपको 1 to 1.3 lakhs तक आपको पड़ सकता है कॉस्ट इंडिया में। सो कंसिडरिंग द प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड सबसे बेस्ट पॉइंट है जो इसका प्रोज है जो मैं मानता हूँ, जो इसका जो सिंगल चार्ज में ट्रिपल बैटरीज का जो 240 किलोमीटर्स का रेंज कवर करने वाला है एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी है जो इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है जिसमें आपको नेविगेशन की फैसिलिटी मिलेगी, एंड मे बी इन अपडेटेड वर्जन में आपको वीडियो स्ट्रीमिंग भी करने मिलेगा। एंड एट द करेंट स्टेज आपको जैसे कि ऐप स्कूटर है ऑलरेडी, तो आपको नेविगेशन मिलता ही है अलॉन्ग विथ आपको फ़ोन मैसेजेस सब चीज़ का आपको इसके अंदर नोटिफिकेशन मिल सकता है, तो आप ऑन द गो आप सब चीज़ कर सकते हो। एंड इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, तो मे बी आपको इसमें इंटरनेट स्लॉट या सिम कार्ड या कुछ ऐसी चीज़ भी नया चीज़ आपको देखने मिलेगा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब इंटरनेट लगने वाला है आपको GPS बताने के लिए तो ऑब्वियसली इंडिया में तो सिम कार्ड ही चल रहा है, तो एक मेन सोर्स जो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ इसका प्रोस में बात कर सकता हूँ तो वो है इसका प्राइस जो ओला इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है जो 1 लाख के अंदर करने की कोशिश करने वाला है, तो ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट स्कूटर होने वाला है। एंड इसका बेस्ट पार्ट जो होता है जो हम लोग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने वाले हैं, जो इसका बैटरी का ड्यूरेबिलिटी क्या होने वाला है, जैसे कि इसकी लाइफ क्या होने वाली है। जैसे आमतौर पर जो लिथियम बैटरी यूज़ हो रहा है करंटली इंडिया में उसकी बैटरी लाइफ 4 to 5 years है, बट ओला क्लेम कर रहा है जो ये लिथियम आयन बैटरी फॉस्फेट बैटरी यूज़ करने वाला है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 years का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा। अगर आप स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो तो दोस्तों मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इस लॉन्च के लिए वेट करिए एंड उसके बाद ही कुछ अपना डिसीजन करिए, ताकि आप स्कूटर अपना जो इलेक्ट्रिक वाला लेने वाले हैं तो आप डिसाइड कर पाए। अगर आप कोई भी स्कूटर इस समय आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो फिलहाल आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आप कौन से स्कूटर अभी इस समय आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाय करना चाहते हैं, एंड या ऑलरेडी आपके पास जो स्कूटर है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं।
तो आते इसके नेक्स्ट पॉजिटिव चीज़ पे, जो इसकी बैटरी से काफ़ी पोर्टेबल बैटरीज एंड उसका बैटरी का कंपोनेंट ऐसा है कि आप उसको कैरी इजीली कर सकते हो बैगेज की तरह, अपना जैसे नॉर्मल बैग कैरी करते हो एंड उसको आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो। एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि अगर आप इसको होम चार्जिंग करने वाले हो तो आपका फुल बैटरी आपको 4 से 5 घंटे के अंदर आपकी तीनों बैटरीज चार्ज हो जाएंगी। एंड अगर आप चार्जिंग पॉइंट में इसको अगर चार्ज कराते हो तो इसका ओला गारंटी कर रहा है कि 18 मिनट्स में आपको 50% का बैटरी सिंगल बैटरी को चार्ज कर देगा। तो ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स का आपको रेंज मिल जाएगा। अंडर बूट स्टोरेज जो आपको मिलने वाला है जो सीट के नीचे, तो उसको कंसिडरिंग द बैटरी फिक्सिंग कॉम्पोनेंट एंड उसके ऊपर आपको जो स्टोरेज स्पेस मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप नॉर्मल अपना पेट्रोल स्कूटर्स में देखो तो 20-22 लीटर्स मैक्सिमम कैपेसिटी मिलता है, बट इस स्कूटर में आपको अप टू 50 लीटर्स ऑफ अंडर बूट स्टोरेज मिलने वाला है, तो सबसे बेस्ट होने वाला है एंड आपको कुछ भी कैरी करने के लिए सबसे ईजी होने वाला है। इसका टॉप स्पीड आपको 45 किलोमीटर पर आवर मिलने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है कंसिडर, बट देखा जाए टॉप स्पीड आपको 45 का तो एंड वो विद इन 3.9 सेकेंड्स इसका ऑलरेडी टेस्टेड वर्जन में इसने डिलीवर किया है, तो वो काफ़ी अच्छा टॉप स्पीड होने वाला है कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर मेरी मानो तो आप मैं तो हायर वर्जन पे जाइए, क्योंकि बार बार बैटरी चार्ज करने से बैटरी की लाइफ भी कम होती है, तो ट्रिपल बैटरी वेरियंट के लिए ही जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड आपका एटलीस्ट कॉस्ट सेविंग भी होगा। एंड अगर आप अच्छा इसका टॉप स्पीड में भी अगर चलाते हो तो एटलीस्ट आपको 120 टू 150 किलोमीटर सिंगल चार्ज का वे आपको रेंज मिल जाएगा। क्योंकि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।